अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जी अलवरका वन में हूँ। ये इस साइड से मैं आया हूँ, अलवरका वन वाली साइड पे। और ये हम आ रहे हैं टूवर्ड्स वो सामने एमरिस रोड है जो 311 है। ये हम आ रहे हैं जी, ये मेन हमारी रोड के ऊपर हम चढ़ते हैं। ये सामने वो ड्रैगन मार्ट नज़र आ रहा है आपको, सामने जो है ड्रैगन मार्ट नज़र आ रहा है। यू कैन सी दैट वन, ड्रैगन मार्ट इंटरनेशनल सिटी का एरिया। ठीक है जी, ये सारी ट्रैफिक जो है ना ये पानी के अंदर है, और ये बसें और ट्रक पानी के अंदर डूबे हुए हैं। ये अभी काफ़ी हद तक पानी नीचे उतर गया है, ये पानी काफ़ी हद तक नीचे उतर गया है। ये तहद नगाह जो है ना वो आगे तक जो है ना ये पानी पानी है। वो गाड़ियाँ अंदर डिज़ास्टर हुआ है, ये बिल्कुल आउट बस था। और वो देखें गाड़ियाँ, लैंड क्रूजर्स, एसयूवीज, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी ना, और उन्हें समझा कि हम निकल जाएंगे। तो कल जो है वो उन्हें पता ही नहीं चला कि इतना जकलख ये पानी डेवलप हुआ। और ये ऐसे लग रहा है जैसे पूरा दरिया ही हो। और ये देखें आगे तक मैं ज़रा आपको एक बना दूँ कि ये देखें, लोगों को पता ही नहीं चला कि लोगों ने जाने बड़ी मुश्किल से बचाई हैं। ये अब ये यानी कोई ये रास्ते में ना डिप आ जाता है, जो ये वो वाला एरिया बन रहा है। लुक एट द थिंग, ये आगे सारी गाड़ियाँ जो डूबी हुई हैं, ये बंद हो गई हैं गाड़ी, वो आगे ता देने का तक की हालत हुई पड़ी है। कि यानी इतना सडन भी था कि लोगों को पता ही नहीं चला कि आगे पानी जो है ना उसकी कितनी गहराई बनी पड़ी है। दिस इज़ हाउ इट इज़। ये लाइव है जी, आ जाना कि मौसम अब काफ़ी बेहतर हो चुका हुआ है। ये दो दिन की बारिश ने इतनी तबाही मचाई है। ये सिर्फ एक छोटा सा एरिया है।